हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुराधा सिंह और आज हम लोग जाने वाले हैं हिडिंबा टेंपल। सो आज का जो सफ़र है वो हिडिंबा टेंपल का होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें गाइस, ज़रूर से ज़रूर देखें। ये देखिए पहाड़ कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सो गाइज, आ गए हैं हम हिडिंबा टेंपल का जो ट्रैकिंग पॉइंट है वहाँ आ गए हैं और यहाँ से हम पैदल पैदल जाएंगे, ट्रैकिंग करके जाएंगे। और आप चाहो तो बाय ऑटो या बाय कैब भी जा सकते हो, बट हम ट्रैकिंग करके जाएंगे बिकॉज मज़ा आता है ट्रैकिंग में और थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ट्रैकिंग। सो गाइज, यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं और हम इधर से जा रहे हैं सीढ़ी से। सो गाइज, यहाँ पर बिल्कुल सीढ़ी है जैसा कि आप देख सकते हो, तो हमें यहाँ सीढ़ियों से जाना है और 2 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। और ट्रैकिंग में ऐसा ट्रैकिंग तो हमने नहीं किया है, ये भी फर्स्ट टाइम है। सो अलग अलग चीज़ें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो लेट्स सी, मज़ा आ रहा है। अलग अलग चीज़ें, एक लाइफ मिली है यार, सो इन्जॉय करना है। पूरा नेचर ट्रैक है, हरियाली हरियाली है यहाँ पर, नो पोल्यूशन। और आज 4th डे है, बट नो थकान ऑन माई फेस, आप देख सकते हो कोई थकान नहीं है। मतलब आपको लग रहा होगा चढ़ रही हूँ तो वो सांसें तो फूलती है, लेकिन ऐसे कोई थकान नहीं है। आराम से हम घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। आप गाइज व्यू देखो यहाँ का, क्या सही है। इतने पेड़ पौधे देख करके मतलब दिल खुश हो जाता है। आप देखो, हाँ ना, धूप है ऊपर और नीचे छाया और ठंड भी हल्की सी। सो ऊपर धूप है लेकिन इधर पेड़ पौधे हैं। मैं धूप में थक जाती हूँ सच बताऊँ, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पेड़ पौधे हैं तो फिर कोई थकान नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर और सीढ़ियों पे लोग ज़्यादा थक जाते हैं। और आप सोचो खुद 2 किलोमीटर जाना है हमें, तो इंसान थक जाता है ऊपर जाते जाते। बट इट्स ओके, फर्स्ट टाइम है ऐसे ट्रैकिंग सीढ़ियों पर, सो हम तो इन्जॉय करेंगे और पूरा ट्रैकिंग करेंगे, बाद में रिजल्ट जो भी होगा। वाओ, क्या सही व्यू है यहाँ का। और यहाँ का व्यू तो बहुत ही प्यारा है और यहाँ का और भी प्यारा है। हिडिंबा टेंपल का जो इतिहास है वो पांडवों से जुड़ा हुआ है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने उन्हें वाणावत स्थान में भेज दिया था और वहाँ पर दुर्योधन ने उन्हें जीवित जला देने की योजना बनाई थी। और तो उन्होंने जो महल था ना वो बिल्कुल लाख का बनाया था, सो दैट वो बहुत इजीली जल जाए। और पांडवों को इस साजिश का पता चल गया और उन्होंने रात में ही भीतर सुरंग खोद डाली और सुरंग के रास्ते से वो बाहर निकल गए। और जब वो गंगा तट पर चले गए वो नाव से, और वहाँ पर फिर वो एक जंगल में चले गए जहाँ पर हिडिंब नाम का राक्षस था और वो अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। तो हिडिंब ने भोजन की तलाश में अपनी बहन हिडिंबा को भेजा। तो जब हिडिंबा गई जंगल तो भीम को उसने देखा
और भीम उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए, तो वो किसी को मार नहीं पाई। तो हिडिम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मेरी बहन ने क्यों नहीं मारा किसी को। और फिर भीम और हिडिम की बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हुई और जिसमें हिडिम को भीम ने मार डाला। सो गाइस, अब हम टेंपल के पास पहुंच गए और वहां पर है टेंपल। ये देखो, यक टोटल कितनी पोलिंग ऑल्टरनेट 11 11 11। जो हम डुप्लीकेट वाला देखते हैं ना, बुल राइड, उसका ओरिजिनल है। ये है एंट्री मंदिर का, ये मंदिर का एंट्री है और वहाँ मंदिर है। वाओ, कितना खूबसूरत है। ले बेटा, ले तेरा फोटो, ले फोटो बना ले, पकड़ ले, पकड़ ले। नहीं बेटा, कुछ नहीं करता, ये ले ले, बात ले, ये आके दे, ऐसे रखो, रखो रखो बेटा, रखो ऐसे, रखो ऐसे, रखो, कुछ नहीं करेगा। चलो बेटा, आप ले लो, करा फोटो, ज्यादा नहीं बेटा, ज्यादा नहीं, ले लो, नहीं नहीं नहीं, ले लो, ले लो, ज्यादा नहीं। खुश है और एकदम वाइट वाइट सा है, बहुत प्यारे से इसके फर है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। ओले ओले बेबी, क्या कर रहा है छोटू बच्चा, छोटू बच्चा, ओले, रेड रेड आईज है इसकी। बंदी हिल वाला गपे ले, मैं बोलूँगा। चलिए स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हिडिम्बा ने भीम को शादी का प्रस्ताव भेजा और भीम ने बिल्कुल मना कर दिया। तो माता कुंती ने भी समझाया कि तुम विवाह कर लो, और फिर भीम जो है मान गए और उन दोनों का विवाह हो गया। उसके बाद उनका पुत्र भी हुआ, हिडिम्बा देवी और जो भीम है उनका पुत्र घटोत्कच नाम का हुआ था, जो महाभारत में आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वीरता दिखाई थी। तो घटोत्कच उनके पुत्र थे। और इसी जो हिडिम्बा पहले राक्षसी थी, फिर वो मानवी बन गई और श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया कि अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए, और उन्होंने बहुत ही लोगों की भलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। तो इस वजह से वो फिर देवी बन गई, लोग उन्हें देवी की तरह यहाँ पर पूजने लगे। इस मंदिर का निर्माण कुल्लू के शासक जो थे बहादुर सिंह, उन्होंने 1553 में करवाया था। जो इनकी दीवारें हैं परंपरागत पहाड़ी शैली में बनी है, आप देख सकते हो बिल्कुल पहाड़ी शैली में बनी हुई, जैसे पहाड़ नहीं होते वैसा टाइप का बना हुआ है। और इनका जो प्रवेश द्वार है आप देख सकते हो, ये जो प्रवेश द्वार है बिल्कुल लकड़ी का बनाया गया है, और कितना खूबसूरत है ये। तो ये हमारी ट्रैकिंग छोटी सी खत्म हो गई है और अब हम आ गए हैं हिडिम्बा देवी टेंपल के जस्ट सामने, और अब हम अंदर जाएंगे। अंदर जाना, अंदर जाएंगे, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है और मास्क पहन के ही जाना है। जो मास्क नहीं पहना हुआ है, हजार रुपए का फाइन है उनके लिए यहाँ पे। और ये देखो पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है मास्क, बाकी डिटेल्स हम दूसरे क्लिप में देंगे। इसमें उल्टा मास्क पहनने वाले को 2000 का फाइन है। चलो ये थोड़ा एम्बियंस देख लो, जो जीमा लेके मास्क उमरा उसको, और इसकी कहानी हम बताएंगे अभी वीडियो में, मंदिर की कहानी क्या है। शर्मा आ गया क्या रहा है यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहन रही हूँ अभी मैं। आज भी आप लोग किस माना, हाँ बस बस इसके बाद इसका बनाऊंगा। ये हिमाचली है ना ड्रेस।
बाल तो नहीं बाल तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड हुए हैं, यहाँ के ट्रेडिशनल अटायर में रेडी हो गए और ये है इनका लुक। हाय हाय, ये देखिए चमकती हुई लड़की को। और ये हो गए हम दोनों यहाँ के अटायर से, और बहुत ही प्यारा अटायर है यहाँ का, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और जब भी आप ऐसे जगहों पे जाओ तो जरूर ट्राई करना चाहिए सब लोगों को। पीछे देखो किधर, आप फूल कर रहे हैं उस तरफ, देखो एक आधे से करना, इधर से करना, हाथ खोलो दोनों अपने, ऐसा करो उस तरफ, देखो झुमका पकड़ो दोनों हाथों से, सिंगल से, सिंगल से बैक मेरी तरफ मोड़ो, दोनों हाथ पीछे फोल्ड कर, फोल्ड करो भैया, दोनों हाथ टोकरी के। सो गाइज, हमने माता का दर्शन कर लिया है और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं मॉल रोड, अब घूमने वाले हैं हम थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे चिल करेंगे, उसके बाद आराम से खा पी करके हम अपने होटल जाने वाले हैं। बट यहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत हमने फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा किया और यहाँ का अटायर पहना वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। सो बहुत ही अच्छा दिन हमारा, और एक शांति बिल्कुल है, चारों तरफ शांति, पीस है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे आइए बैठिए, दो तीन घंटे समय का पता नहीं चलता। हाँ बिल्कुल, टाइम पता ही नहीं लगा, लगता है कि मतलब सारा टेंशन दर्द भूल चुके हम लोग यहाँ बैठने के बाद। आप लोग भी आइए समय निकाल कर, कोविड गाइडलाइंस का पालन कर और घूमिए मनाली। इस मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक चट्टान है जिसके नीचे देवी का स्थान माना जाता है, और हमने अब दर्शन कर लिया है और वापस अब जाना है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।